हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से, कांस्टेबल एसआई एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस की इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स में वैकेंसीज आउट हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, साथ ही साथ आपको फॉर्म की डेट क्या रहेगी, वैकेंसी कब आ रही है, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, इनहैंड सैलरी, सारे कुछ आपको कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब रिक्रूटमेंट को लेके थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकल कर आई है आपका 62,424 सीट्स के लिए ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको अभी बता देती हूँ कि पोस्ट वाइज इस वैकेंसी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपका जो सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए सीट्स रहेंगे वो आपका 2469 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। कांस्टेबल के लिए 52,699 सीट्स पे वैकेंसी आएगी। रेडियो ऑपरेटर के लिए 2430 सीट्स पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। क्लर्कियल कैडर के लिए 445 सीट्स पे वैकेंसीज आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए 927 सीट्स रहने वाली है। जेल वार्डन के लिए 2833 सीट्स रहने वाली है। आपका स्पोर्ट्स कोटा सिटीजन पुलिस के लिए 521 सीट्स पे ये वैकेंसीज आने वाली है। तो टोटल सीट्स आपको 62,424 हो गया। और अभी आपने देख लिया कि कैसे पोस्ट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो अब बारी आती है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर्म कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 15 जुलाई को ऑफिशियली जो टेंडर आउट कर दिया जाएगा आपको यूपी पुलिस के द्वारा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी। वो बताएंगी कि मैं इतना खर्च लेके एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा, तो अलग अलग ये करेंगे। फिर आयोग डिसाइड करेगी कि किस कंपनी के थ्रू एग्जाम कराया जाएगा। तो हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लग ही जाए। तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा आपका कि आपका अगस्त लास्ट से सितंबर में आपकी फॉर्म जो है आ जाएगी, आप अप्लाई कर पाओगे। और ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो ये भी कर दिया गया है कि आपका एग्जाम डेट जो है दिसंबर में रहने वाला है। तो घबराना नहीं है, अपने स्पीड को बस बूस्ट करो, अच्छे से तैयारी करो, आप एग्जाम दिसंबर में ही होगा। सो चलिए फिर सब आपको बता दूं कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए आपका 400 रुपीज रहेगा। वहीं पे एससी एसटी से कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा। और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे कि बिहार, हरियाणा और आपको जो भी अलग हिमाचल वगैरह के कैंडिडेट रहेंगे, वो लोग कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, वो ना आपको एज अ जनरल ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बारी आती है एज लिमिट की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल मेल का जो एज होता है मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 23 इयर्स रहने वाला है। फीमेल के लिए मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 26 ईयर रहेगा। वहीं एसआई की पोस्ट के लिए आपका जनरल एंड ईडब्ल्यूएस मेल का मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 22 इयर्स रहेगा। फीमेल के लिए मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स एज लिमिट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ओबीसी को 3 इयर्स के लिए, एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप 12th पास हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। वहीं पर अगर आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 मेजर स्टेज पर डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, उसके बाद आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है।
सो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को समझा दूं कि ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 2 आवर्स का पेपर होगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 का। यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। जनरल साइंस का 38 क्वेश्चन 76 मार्क का, जनरल हिंदी का 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स का। मींस कि ओवरऑल आपका 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए रहेंगे और 2 आवर्स का आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आप सभी को समझा देती हूँ कि फिजिकल क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो चलिए हाइट की बता देती हूँ। मेल कैम में आपको जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एसटी कैटेगरी मेल के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है। मेल्स के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए आपका 79-84 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। एसटी वालों के लिए जो है 77 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर रहता है। तो चेस्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। अब बारी आती है फीमेल्स के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो उसमें उनका हाइट मेजरमेंट होता है। तो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी वालों के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 147 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है। और फीमेल्स के लिए ना एक मिनिमम वेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑल कैटेगरी जो फीमेल है ना, यहाँ पे उनके लिए मिनिमम 40 kg होना ही चाहिए जो फीमेल का वेट मेजरमेंट किया जाएगा उसके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाता है। तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर्स की रनिंग होती है 25 मिनट्स में एंड फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है 14 मिनट्स में। तो ये सब तो आपने समझ लिया कि क्या प्रोसेस होता है। अब ये भी जान लो फ्रेंड्स कि इसमें अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो कितना अच्छा आपका पर्क्स रहने वाला है। मतलब कि इनिशियल इनहैंड सैलरी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपका 30,000 रहता है एंड आपका एसआई की पोस्ट के लिए आपको रहता है फ्रेंड्स 45-50,000 और बाद में ना एसआई की पोस्ट का इंक्रीज होकर 1,04,400 तक हो जाता है। और कांस्टेबल में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, मतलब हर साल आपको अच्छा खासा इंक्रीज भी होगा। तो आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है। तो चलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था 2018-19 का उसको डिस्कस कर देती हूँ। कैटेगरी वाइज बताऊंगी आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स पे लास्ट ईयर आपका कट ऑफ गया था। जनरल वालों के लिए 185.34 था, ओबीसी के लिए 172.32 था, एससी के लिए 145.39 था, एसटी के लिए 114.19 था। तो मतलब कि आपको ये नहीं कि अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया इसको ध्यान में रखे, नहीं, कट ऑफ हर साल ना हाई जाता है, तो आपको इससे भी बहुत अच्छा स्कोर करना है ताकि आप इस बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अच्छा अपना अचीव कर पाओ, आपको सीट एक मिल जाए। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आके पूछना, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाओ और आप फॉलो कर लो। एंड अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो फ्रेंड्स मिलूंगी फिर से किसी न्यू जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।